मैं इस वीडियो में पहले आपको ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट होता कैसा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। दिल्ली सरोजनी मार्केट के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर भी लगभग सारे सेलर्स इसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। वेलकम है फिर से एक नई वीडियो में, और आज की ये वीडियो बेसिकली दिल्ली आज़ाद मार्केट के ऊपर होने वाली है। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली आज़ाद मार्केट की सच्चाई क्या है, यहाँ पर क्या बिज़नेस होता है और किस तरह का बिज़नेस होता है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली आज़ाद मार्केट में यूज्ड क्लोथ का बिज़नेस किया जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको सैंपल दिखा दे रहा हूं। मैंने ये प्रोडक्ट दिल्ली आज़ाद मार्केट में एक माँ दुर्गा ट्रेडर्स हैं, उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, मैंने वहीं से बाई किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वहाँ से मैंने ये यूज्ड क्लोथ के जो सैंपल से मैंने कुछ मंगवाए थे, यहाँ पर आप पैंट देख पा रहे हो। पैंट की साइज़ जो है एवरेज साइज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं। मतलब दिल्ली आज़ाद मार्केट में जितने भी यूज्ड क्लोथ आते हैं वो सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं। इट्स मीन वहाँ पर जो एक बार यूज होता है, या फिर बहुत बार तो ऐसा होता है कि जो कंपनी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट की जो फैक्ट्री होती है उसमें जो यूनिट होते हैं उसके यूनिट के अकॉर्डिंग अगर कोई कपड़ा मिसमैच होता है, मतलब थोड़ा सा भी उसमें अगर कोई डिफेक्ट होता है, तो उस कपड़े को साइड कर दिया जाता है और वो सारा का सारा पूरे इंडिया से, मतलब सॉरी इंडिया आउट ऑफ इंडिया के जितने भी देश हैं वहाँ से वो सारा का सारा क्लोथ जो है आप पैक करके वज़न के हिसाब से, मतलब किलो के हिसाब से इंडिया इंपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा मार्केट है वो है दिल्ली आज़ाद मार्केट। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में यूज्ड क्लोथ का बिज़नेस बहुत ही बड़े पैमाने पे कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि यूज्ड क्लोथ कैसे सेलेक्ट किया जाता है, आप कैसे अगर आप एक बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट जो स्कैमर्स हैं, बहुत सारे स्कैमर्स, क्योंकि देखिए स्कैमर्स हर जगह मिलते हैं, हर बिज़नेस में मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे आपको सेलेक्ट करना है, किन से बिज़नेस करना है और किस टाइप के प्रोडक्ट्स में आपको बिज़नेस करना है। तो मैंने जो भी मंगवाया, मैं आपको कुछ सैंपल दिखा दूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आप देख सकते हैं ये जो क्लोथ है, मैं थोड़ी इसको दूर कर ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़ा है ये सारा का सारा मैंने सारा का सारा प्रेस करवाया। ये एक्चुअली में आता है बहुत ही क्रस्ट कंडीशन में आता है, तो इसे सारा का सारा जितने भी है सारे को प्रेस करना पड़ता है, ड्राईक्लीन कराना पड़ता है, और उसके बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे आप देखते होंगे बड़े बड़े शहर में जो ठेले वगैरह पर लगा कर सेल करते हैं, तो वो यही कपड़े होते हैं जो कि आपको 150-200 में बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलता है। दिल्ली सरोजनी मार्केट के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहाँ पर भी लगभग सारे सेलर्स इसी प्रोडक्ट में डील करते हैं। यूज क्लोथ में लड़कियों का भी कपड़ा आता है, बॉयज़ का भी कपड़ा आता है। जैसे कि मैं अगर एक लड़की की बात करूँ, देखिए लड़की के प्रोडक्ट की बात करूँ तो देख सकते हैं आपकी वुलन आइटम है, इसमें का सारा आइटम मेरा बिक चुका है। ये कोट है, ठीक है, ये कोट वज़न के हिसाब से आता है, 200-300 रुपये वज़न के हिसाब से, मतलब 100-200 रुपये के बीच में आता है, वज़न के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में पहले आपको ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट होता कैसा है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं और किस तरह बहुत अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा क्वालिटी है ये, ठीक है। बट मेरे पास अभी आपको मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पर जितना भी आपको पैंट दिख रहा है यहाँ पर रखा हुआ, ये सारा का सारा वही वाला पैंट है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, मतलब यूज्ड क्लोथ है सारे के सारे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने माँ दुर्गा ट्रेडर्स से जब उनकी वीडियो देखी तो उनसे बात करा, उन्होंने बोला कि हाँ कुछ प्रोडक्ट जो है, मतलब अगर आप 45 किलो 40 किलो का बंडल मंगवाते हैं तो उसमें कुछ आइटम जो है डिफेक्टिव निकलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी जो मंगाया वो लगभग सैंपल जो आया था मेरे पास काफ़ी अच्छा सैंपल आया था, बट जो पैकेज आया, पैकेज में लगभग मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 50% जो है सारे के सारे डैमेज माल थे, मतलब वो सेल नहीं किया जा सकता था। अभी मैं काफ़ी टाइम आई बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं उस टाइम की मेरे पास कोई फुटेज या फिर कोई फ़ोटोज़ नहीं है, बट अभी जो आप ये देख रहे हैं कपड़े की कंडीशन, ये कपड़े की कंडीशन उस टाइम पर ऐसी नहीं थी, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं और सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं, मतलब कोई डाउट नहीं है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे ब्रांडेड होते हैं, ठीक है। ये कंपनी का नाम है, यहाँ पर हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते वरना कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन फ्यूचर या फिर करने की सोच रहे हैं, अगर आप यूज क्लोथ का बिज़नेस, तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं आप, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन है, लो इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा होता है। बट बात यहाँ पर आती है कि अब आप कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको पैकेज के अंदर खोल के दिखाया नहीं जाता कि आपको कौन सा माल लेना है नहीं लेना है। आपको अपना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ले सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आप जनरेट कर सकते हैं। तो
वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है जिससे में कि आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिले। तो जैसे कि इंडिया में जो इम्पोर्ट किया जाता है वो कनाडा का भी आता है, यूएस का भी आता है, कोरिया का आता है और एक और कंट्री, लगभग ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज से हमारे पास इम्पोर्ट होता है। बट अगर आप कोरिया का माल लेते हैं, बाकी जितने भी जैसे यूएस का माल जो होता है वो होता है, ऐसा नहीं है कि बुरा माल होता है, बट माल का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा ओवर साइज होता है, क्योंकि वहाँ का जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जो साइज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं और वो काफ़ी ढीला ढीला पहनना पसंद करते हैं, जबकि इंडिया में हमारे वो चीज़ नहीं चलता है। और मेरे से वही गलती हुई है, मेरे पास जितना भी पैंट आया वो लगभग इंडियन साइज़ के अकॉर्डिंग वो 40, 48, 42 साइज़ में है, जो कि बहुत ही लिमिटेड बंदे होते हैं यहाँ पर जो इतने बड़े साइज़ में पैंट को यूज़ करते हैं। तो अगर आप अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप जब भी किसी सेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आप मेड इन कोरिया, मतलब जो कोरिया से इंपोर्ट किया हुआ रहता है माल, उस पैकेज को आपको पहचानना है। सबसे पहला उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि वो 100 केजी या 80 केजी के बंडल में आता है। अगर वुलन आइटम है तो 80 केजी के बंडल में आएगा एवरेज, और अगर कॉटन में है या फिर कुछ ड्रेस है जैसे कोरिया का गर्ल्स का आइटम हो गया, बॉयज़ का आइटम हो गया, तो वो आएगा आपको 100 केजी के बंडल में। सबसे पहला उसका पहचानने का ये तरीका है। दूसरा, उस पार्सल के ऊपर लिखा रहता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बोलते हैं हाँ ये कोरिया का माल है ले जाओ, क्योंकि वो रिटर्न वटर्न का तो कोई पॉलिसी इसमें होता नहीं है, वो पूरी तरह से सील रहता है और बहुत ही क्रस्ट किए हुए रहते हैं कपड़े। बट अगर आपको एक नंबर में डील करनी है, मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो एकदम इसी कंडीशन में, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ इस कंडीशन में आया, अगर आप चाहते हैं आपको सिर्फ प्रेस करना रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कोरिया का माल लेना होगा। आप जब भी जाओ तो हर पार्सल में अलग अलग तरीके से इंपोर्ट फ्रॉम कोरिया या फिर कोरिया लिखा हुआ रहेगा। कोरिया का जो साइज़ होता है, कोरिया के जो सिटीजन्स हैं उनका साइज़ जो है इंडिया के साइज से फुल्ली मैच करता है, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट जो है लेने के बाद आपको किसी भी तरह की कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक नंबर प्रोडक्ट मतलब जो होता है वो कम से कम 250-300 रुपये या 350 रुपये किलो के वजन किलो के हिसाब से आता है, और 100 केजी का बंडल होता है, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट जो होगा कम से कम उसमें 20,000, 25,000, 30,000 के अप्रॉक्स आपको इन्वेस्टमेंट आएगा, 35,000 भी हो सकता है। बट उसमें जो 100 केजी का बंडल है उसमें कम से कम 500-600 पीस निकलते हैं। अगर आप डिवाइड कैलकुलेशन करके देखो तो अगर आपने 35,000 रुपये भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 100 केजी के बंडल में, और उसमें अगर 500 पीस भी निकल रहा है तो आपको ईच आया 70 रुपये, ठीक है, लेकिन वो एक नंबर रहता है। मान लो 70 रुपये में कुछ आइटम डैमेज भी निकल जा रहा है, तो मान लो एक का 100 रुपये ही पड़ा, ठीक है, मान लो 5% भी कुछ आपको ऐसा हो रहा है जो नहीं चलने वाला, तो 100 रुपये पड़ा, तब भी आप उसमें आराम से, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो ऐसे होते हैं ना कि डिमांड, और 500 तो नहीं आएंगे इतना गारंटी मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 700 पीस 100 केजी के में कम से कम 700 पीस निकलते हैं, टॉप या पैंट या जो भी आप ले रहे हो, शर्ट्स वगैरह सब कुछ आते हैं, तो कम से कम 500 या 600 पीस 700 पीस आते हैं। आप आराम से अगर इस पैंट को ऐसे मार्केट में देखा जाए, इस टाइप के पैंट्स तो कम से कम 600-700 रुपये करके बिकते हैं, आप अगर 300 रुपये भी करके ईच अगर आप बेचते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आपके पास जो है आपको करना यही कि जब पार्सल मंगाओ, पार्सल को प्रेस करो, प्रेस करने के बाद उसे आराम से एक रेट फिक्स रेट पर टांग दो, और बहुत ही अच्छा सेल होता है। मैं काफ़ी टाइम से सेल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये एक लो इन्वेस्टमेंट है। आप एक बंडल जो है गर्ल्स के आइटम मंगा लो, आपको किस में डील करनी है, गर्ल्स या बॉयज़, आप देख लो, और उसके अकॉर्डिंग आप कम से कम दो बंडल डिफरेंट जैसे पैंट और शर्ट्स, या पैंट या टी शर्ट लड़की के करना है तो उसमें आप 100 केजी का टॉप मंगवा लो। टॉप में इतने वैरायटी और इतने फैंसी टॉप्स निकलेंगे कि आप, ये बहुत सारे दिल्ली में इस टाइप के बहुत सारे सेलर है जो 50-50 पीस का बंडल उसी में से वही खरीदते हैं और 50 पीस का बंडल बना बना के होलसेल कर रहे हैं, मतलब यहाँ से होलसेल भी स्टार्ट है, 150, 150, 200 रुपये करके वो होलसेल कर रहे हैं, और उसी को लोग ले आकर अपने मॉल में, अपने शोरूम में लगाकर 350-400 रुपये में बेच रहे हैं और पता भी नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीट करना है, बट ये एक बिज़नेस है और एक जेन्युइन बिज़नेस है, और ये पूरी इंडिया में बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। तो आप अगर एक अच्छा बिज़नेस की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए। मैं कुछ नीचे आपको जो है यूज्ड क्लोथ के बढ़िया सेलर्स के बारे में भी लिख दूंगा, उनका नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल मैं दे दूंगा, कोलकाता में और दिल्ली में, ठीक है, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। बट रिमेंबर कि आपको हमेशा कोरिया का माल ही लेना है। कोरिया का माल लेने में आपको इन्वेस्टमेंट तो एक बार ही थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, बट हाँ रिटर्न बहुत ही हाई आने वाला है, ये मेरा आपको प्रॉमिस। अगर वुलन आइटम रहता है तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, बट अगर आप रेगुलर टॉप और जींस वगैरह आप मंगा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी उसमें से निकलेगा, कम से कम 700-800 पीस तो पक्का निकलना ही निकलना है।
आप कितना भी कम अगर मार्जिन लेके चलोगे, आप अगर 200 में भी बेचोगे तब भी आपका उसमें ऑलमोस्ट 70-80% मार्जिन मिलेगा ज़रूर। तो यही आज की वीडियो का बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।